अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है और मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगा और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा। और आप सुनाएं, ठीक हैं, ईद कैसे गुजरी आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। दोस्तों, तक पिछले 1.5 माह से अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था। उनके लिए दुआ करें उनकी सेहत के लिए। तो मैं इस वजह से काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई अबू की, बट अबू बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए दुआ करें, मेरे वाली साहब के लिए, कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी सेहत दे, क्योंकि माँ बाप का साया आपको पता है दुनिया में सबसे बढ़ के होते हैं हमारे लिए। माँ बाप है तो ऐसा लगता है दुनिया में हर चीज़ है, माँ बाप नहीं है तो ऐसा लगता है दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मेरे वाले साहब के लिए आप लोग दुआ करेंगे। तो दूसरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं दोबारा थोड़ा सा कुछ मेरी रूटीन नॉर्मल हुई है, मैं कोशिश करूँगा अपने व्लॉग्स बनाने की। तो आज मुझे मौका मिला, आज माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मेरा आज यही मूड था कि आज थोड़ा सा आप लोगों को मौसम अच्छा दिखाते हैं, कुछ आप लोगों को अच्छे व्यूज़ मैं दिखाता हूं। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलें जी, आप लोगों को मैं आज ज़बरदस्त मौसम के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है, जो मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी कोशिश की है, आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को मस्ट लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत मज़ीद बेहतर हो जाए और उनकी सेहत बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें जवाब दे दिया है कि जब तक आपके वालिद साहब की सेहत नहीं होती है, उनके ऊपर दवाइयों का, मेडिसन्स का, किसी भी ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी सेहत जल्दी रिकवर हो जाए। तो इंशाल्लाह इसी तरह अब मैं कोशिश करूँगा कि अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा मौसम है, इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। इस पाकिस्तान ज़िंदाबाद।